प्रेत की फिल्में देखने के बाद हम अपने आप को समझाते हैं कि ऐसा मात्र फिल्मों में ही होता है, असलियत में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं जहां फिल्मों की बातें हमें याद आ जाती है और ये सब असली लगने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड की रहने वाली डेबी मैरिक के साथ। डेबी ने 400 रुपए में एक चाइनीज डॉल खरीदी थी। दुल्हन की ड्रेस पहनी ये डॉल दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन इस डॉल के खरीदने के बाद से ही उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। डेबी के पति के हाथों में चोटों के निशान दिखने लगे। पहले तो उन दोनों को समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन बाद में डेबी ने दावा किया कि ये सब डॉल के वजह से हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि इस डॉल में भूत है। इसके बाद डेबी ने इसे ऑनलाइन बेचने का फैसला कर लिया। डेबी ने इस डॉल को ईबे में सेल कर डाला, जहां एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ली स्ट्रिक की नज़र इस पर पड़ गई। उसने इस डॉल को 70,000 रुपए में खरीद लिया। वो इस भूतिया डॉल को घर में लाकर काफी खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ समय बाद ली के पिता पॉल पर वैसे ही हमले होने लगे जैसा कि डेबी के हस्बैंड पर होने लगे थे। उनके हाथों में कई तरह के निशान मौजूद थे। ली के घर में डॉल के आने के बाद से कई तरह की घटनाएं घटने लगी थी, जिसमें सामान का हिलना डुलना, चीजों का टूटना, लाइट का खुद ही जलना बुझना, घर से कई तरह की आवाजें सुनाई देना, ये सब डॉल के कारण हो रहा था। ली की माँ ने उन्हें डॉल बाहर फेंकने के लिए कहा, लेकिन ली इसे फेंकना नहीं चाहती थी क्योंकि ली इस पर स्टडी कर रही थी। देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, संगीता की रिपोर्ट।